नेक्स्ट आर्टिकल इज आइडियम्स। आइडियम्स किसको बोलेंगे देखते हैं। आइडियम्स एन आइडियम्स आइडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेज, यानी फ्रेज बोलते हैं मुहावरों को, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसको बोलेंगे। आइडियम्स का मतलब भी होता है मुहावरे, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स का कुछ ग्रुप होता है हुज मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स, और एक्चुअली में उसकी जो मीनिंग होती है उससे वो क्या होता है, उसके मीनिंग से डिफरेंट होता है। आइडियम्स मस्ट बी यूज टू गेन प्रोफिशियंसी इन अ लैंग्वेज, और आइडियम्स का यूज़ किस लिए होता है कि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी जबान हम जब बोल रहे हैं, कोई बात बोल रहे हैं, तो उसमें प्रोफिशियंसी लाने के लिए वो आइडियम्स यूज़ करते हैं। प्रोफिशियंसी बोलेंगे महारत, महारत लाने को, उस बात को अच्छे से समझाने के लिए क्या करते हैं वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सो देखेंगे आइडियम्स कौन कौन से हैं। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स और एंड फ्रेजेस, पिक योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अभी ये यहाँ पर आपको मुहावरे दिए हुए हैं, उसके हमें हेल्प बॉक्स में से हेल्प लेकर उसका मीनिंग लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, अभी ये क्या है, एक आइडियम्स है, एक मुहावरा है। मीन्स ये बात करने में हम क्या करते हैं, मुहावरे बहुत यूज करते हैं। आप देखोगे तो इसका मतलब होता है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, मीन्स जले पे नमक छिड़कना। तो जले पे नमक छिड़कना ये एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है, ये किस टाइम यूज़ करते हैं, ये हम देखेंगे। ओके, तो हेल्प बॉक्स में देखते हैं कि ये वर्ड कब और क्यों यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है टू मेक सिचुएशन वर्स। टू मेक अ सिचुएशन वर्स का मतलब होता है कि कोई भी सिचुएशन को क्या करना, बुरी बना देना, हार्ड बना देना। क्या करते हैं देखो, अगर नहीं क्या कोई भी समझो आपकी फ़ाइट हो गई आपके भाई से बहन से, तो आप मम्मी पापा के पास जाकर बोलते हो ना कि भाई ने मारा है, बहन ने मारा है। तो फिर अगर आपने समझो बड़ा चढ़ाकर बोल दिया, मम्मी पापा को गुस्सा आ गया, मम्मी पापा डांट रहे, सो आप क्या करोगे, बड़ा चढ़ाकर फिर से मम्मी पापा को बोलोगे, तो उसको बोलते हैं जले पे नमक छिड़कना। मीन्स फिर मम्मी पापा और गुस्सा करेंगे, तो ऐसा होता है। तो मीन्स सिचुएशन कैसी हो रही है और बुरी होती जा रही है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, टू मेक अ सिचुएशन वर्स, मीन्स सिचुएशन बुरी होते जाना। तो हम यहाँ लिख लेंगे उसका मतलब, टू मेक सिचुएशन वर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है दिन दुगनी रात चौगनी। ये एक आइडियम्स है, मुहावरा है। सो इसका मतलब क्या होता है हम देखेंगे, दिन दुगनी रात चौगनी, इसका मतलब होता है वेरी रैपिडली, यानी बहुत फास्ट, बहुत जल्दी। दिन दुगनी रात चौगनी, सो उसका मतलब है बहुत फास्ट, वेरी रैपिडली, वी ई आर वाई, वेरी आर ए पी आई डी एल वाई, रैपिडली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मुहावरे दिए हुए हैं और उसके मीनिंग हमें यहाँ लिखना है। ओके, एट द एलेवंथ और, एट द एलेवंथ और किसको बोलेंगे, आखिरी वक्त में। ओके, आखिरी वक्त में ये कब यूज़ करते हैं देखेंगे, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट का मतलब होता है कि एकदम लास्ट में कोई भी काम कर देना,
टाइम, उसके जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन में ना करता हुआ जब टाइम ख़त्म होने पर आया उस लास्ट मोमेंट पर वो काम करना, तो उसको बोलते हैं एट द 11th आवर, मीन्स आखिरी वक्त में। तो लिखेंगे उसका मीनिंग हम यहाँ एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर को। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार। ओके, कभी कभार इसका मतलब होता है। सो देखते हैं, तो इसका मतलब होता है एन इवेंट दैट हैपन्स इनफ्रिक्वेंटली। इनफ्रिक्वेंटली का भी मतलब होता है कभी कभार। ओके, इनफ्रिक्वेंटली का मतलब होता है कभी कभार। और ये जो हमने देखा वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब भी होता है कभी कभार। सो हम लिख लेंगे एन इवेंट दैट हैपन्स इनफ्रिक्वेंटली। ओके, नेक्स्ट टू चेंज कलर का मतलब होता है रंग बदलना। ओके, रंग बदलना, कलर बदलना। देखते हैं ये मुहावरा है रंग बदलना, उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है टू टर्न पेल। पेल का मतलब PALE, पेल का मतलब होता है फीका पड़ना, पीला पड़ना। सो इस टू चेंज कलर ये मुहावरा यूज़ करते हैं, उसका मतलब होता है टू टर्न पेल, TURN टर्न पेल, PALE पेल। नेक्स्ट टू वर्क लाइक अ चार्म का मतलब होता है एक तवज्जा से काम करना, मतलब तवज्जा रख के पूरा ध्यान से काम करना। टू वर्क लाइक अ चार्म, देखते हैं क्या होता है उसका मतलब। ये एक मुहावरा है, बोलते हैं ऐसा कि कोई भी तवज्जा से काम कर रहा है तो उसको बोलते टू वर्क लाइक अ चार्म, ऐसा बोलते। तो उसका मीनिंग देखेंगे, उसका मीनिंग होता है टू वर्क वेरी वेल, यानी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ओके, टू वर्क वेरी वेल। सो लिख लेंगे टू वर्क वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी हाथ से मुंह तक। कब बोलते हैं ये देखते हैं इसका मीनिंग। फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी हाथ से मुंह तक, मीन्स किसी तरह तो गुजारा कर लेना। तो उसका मतलब होता है वेरी पुअर। वेरी पुअर का मतलब होता है, पुअर का मतलब होता है गरीब का, बहुत गरीब, मीन्स किसी तो भी तरह गुजारा कर लेना। ओके, सो वेरी पुअर। नेक्स्ट एट नंबर का टू प्ले विथ फायर मीन्स आग से खेलना। ये मुहावरा कब यूज़ करते हैं देखेंगे, आग से खेलने का। इसका मतलब होता है टू काउंट डेंजर, मीन्स खतरे में पड़ जाना, तो उसको क्या बोलते हैं टू प्ले विथ फायर। सो इसका मीनिंग हम लिख लेंगे टू काउंट डेंजर, DANGER डेंजर। ओके, नेक्स्ट टू फॉल फ्लैट मीन्स गिर जाना। गिर जाना ये एक मुहावरा है टू फॉल फ्लैट, उसका क्या मतलब होता है देखेंगे। इसका मतलब होता है टू फेल मीन्स कोई भी काम में हमें नुकसान पहुंच जाना या उसमें हम फेल हो जाना। सो टू फेल।
नेक्स्ट अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी के उतार चढ़ाव। ये एक मुहावरा है, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब हम देखेंगे। लास्ट जो रह गया है, सक्सेस एंड फेलियर ड्यूरिंग वंस लाइफ, यानी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मीन्स खुशी भी मिलती है, गमी मिलती है ना, उसको बोलते हैं सक्सेस एंड फेलियर ड्यूरिंग वंस लाइफ। ओके, सो इस तरह से ये आइडियम्स जो था हमारा आर्टिकल 29 यहाँ फिनिश होता है।